हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और आज हमें स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर लेजर। अब भाई नया नया चैप्टर आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग बहुत ही ईजी होता है, कैसे हमें करना है वो हम आपको बताएंगे और कितना आसान लगेगा वो आपको देखने के बाद लगेगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, जैसे आपको बहुत इजी लगेगा कुछ तरीका बताएंगे, मैं कोई स्टेप फॉलो नहीं करूंगा जो बुक का है, एक तरीका बता दूंगा बस उसी तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ये लास्ट जो बुक कीपिंग का पार्ट होता है वो लास्ट पार्ट है, जर्नल बनाना, लेजर बनाना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता, बुक कीपिंग के बाद का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर है क्या। तो लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासीफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। देखो लेजर क्या है, बुक विच कंटेन्स, जिसमें क्या होता है, अ समराइज्ड एंड क्लासीफाइड फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शंस हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, जो हमने जर्नल एंट्री बनाई है वो उसको हम समराइज करते हैं और क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है कि जैसे जो ट्रांजेक्शन था वो सब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते चले आए, डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज। तो अब हम क्या करेंगे कि उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे कि जो सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको वन प्लेस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, एक ही जगह लिखेंगे। ठीक है, एक साथ लिखेंगे। समराइज्ड का मतलब पूरा डिटेल उस नहीं होगा, उसकी समरी लिखी जाएगी कि ये ट्रांजेक्शन हुआ तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किससे किसके साथ ट्रांजेक्शन हुआ, कौन कौन सा उससे रिलेटेड है, कितने अमाउंट का हुआ, वो लिखा जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, अब परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, और जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है। और हम क्या बोल सकते हैं कि लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, जिसमें क्या होता है बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं, चाहे वो एसेट्स अकाउंट हो, एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, स्टॉक, ठीक है, ये सब। लाइबिलिटी अकाउंट, कोई लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल है, कोई रेवेन्यू है, रेवेन्यू में सेल हो गया, कुछ रिसीप्ट हो गया। ठीक है, एक्सपेंसेस है कोई, जैसे सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, वेजेस परचेज, ठीक है, ये सब आता है। आर ओपेंड एंड ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल बुक, और कहाँ से पोस्ट किया जाता है, जर्नल बुक से पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे पोस्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो अभी आगे हम उसको देखेंगे। फॉर्मेट क्या दिया है, देखो जैसे टी सेप अकाउंट आप बनाते थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, ये इस फॉर्म में होता है, ये साइड आपका डेबिट होता है और ये साइड आपका क्रेडिट होता है। दोनों साइड में कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे डेट का होता है ये दिया ना, डेट का, पर्टिकुलर का, जर्नल फोलियो आता है, क्योंकि हम पोस्टिंग कहाँ करते हैं, फ्रॉम द जर्नल बुक, जर्नल बुक से, तो जर्नल के किस पेज नंबर पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो पेज नंबर और उसका अमाउंट, कि उससे रिलेटेड अमाउंट कितना है। सेम वही क्रेडिट साइड में भी होगा। ठीक, तो अब हम इस पोस्टिंग करेंगे कैसे, बात आती है कि पोस्टिंग हमें कैसे करना है। ठीक, दो ट्रांजेक्शन लिया है, एक हमारी जो सिंपल एंट्री जिसको बोलते हैं, दूसरी कंपाउंड एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ हो। ठीक है, दोनों एग्जांपल लिया है। और एक चीज़ है कि जर्नल के लिए, इसको लेजर को करने के लिए हमें जर्नल अच्छी तरीके से आना चाहिए, जर्नल एंट्री जब हम सही करेंगे तो लेजर भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कि लेजर पोस्टिंग करने का तरीका अलग है लेकिन जर्नल आपको आना चाहिए, मेन आपका जर्नल है जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो। कहीं कहीं पे होता है कि डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग होती है लेकिन भाई उनके पास एक्सपीरियंस है अच्छा तो वो डायरेक्ट इसमें पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जर्नल है तो जर्नल की हेल्प से पोस्ट करना बहुत आसान होता है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, जो दोनों ट्रांजेक्शन लिया, पहला ले लिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने से, 10,000 से, और दूसरा परचेज किया है, IGST लगा है, किससे खरीदा है, मोहन से, ठीक है, अमाउंट दिया है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग हम करेंगे तो देखिए कैसे होगा। तो उससे पहले अब जो हम रूल बताने जा रहे हैं उस रूल को ध्यान रखिएगा, और उसको ध्यान रखने पे पूरा का पूरा लेजर बड़ी आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसको, साइड सेम, साइड क्या होगा सेम होगा, नेम अपोजिट और अमाउंट सेम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो लेजर पोस्टिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान क्या, बहुत ही आसान हो जाएगा, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि साइड सेम होगा। अब कैसे होगा वो भी अभी बता रहे हैं, नेम अपोजिट होगा और अमाउंट सेम होगा, ठीक। साइड किसका, जिसका हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं एंट्री में, वो किस साइड पे है वो हमें देखना है, और उसी साइड में लेजर में भी पोस्टिंग की जाएगी, साइड सेम नेम अपोजिट। अब जो डेबिट, जैसे मान लो एक डेबिट है, तो डेबिट किसकी वजह से हुआ, जो क्रेडिट में उसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो अपोजिट में जो नाम है नेम है वो लिखा जाएगा, और अमाउंट भाई जिसका अकाउंट बना रहे हो उस ट्रांजेक्शन पे, उस अकाउंट पे कितना अमाउंट है वो देखना, और अमाउंट वही लिखा जाएगा। जैसे और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हमें लेजर पोस्टिंग करनी होती है तो एवरी ट्रांजेक्शन एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, शुड बी कंसिडर करना होगा, किसको, हर एस्पेक्ट को, हर एंट्री को, जितनी भी एंट्री है, ठीक, और उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब को देखना है, सब का अकाउंट ओपन करना है। लेकिन एक बार जो अकाउंट ओपन हो गया दोबारा उसे ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब कैसे पोस्टिंग करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे पहली एंट्री में क्या दिया है, कैश अकाउंट, तो हम किसका अकाउंट ओपन करेंगे, कैश का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कैश अकाउंट, ये बन गया आपका फॉर्मेट, ठीक। अब देखो ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड, ये बीच में डिवाइडर है जो दोनों पार्ट्स को अलग करता है। अब पहला हम यूज करेंगे साइड सेम, याद करना भी आसान है, कहीं भी लिख भी सकते हो, आराम से लिख लिया उसको ध्यान में रख के लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। तो साइड सेम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं भाई हम, कैश अकाउंट। तो एंट्री में देखो कैश किस साइड में है, डेबिट में, साइड सेम, यहां भी कौन सा साइड है, डेबिट, तो टू, साइड सेम के लिए क्या यूज करेंगे, टू, ठीक है। नेम क्या है, अपोजिट, अपोजिट में क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो लिख लो। अमाउंट सेम मतलब कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैश, तो कैश के सामने देखो अमाउंट कितना है, 10,000, अमाउंट लिख लेंगे 10,000, और कहीं दिया है कैश। अब अगला स्टेप क्या है कि जो भी एंट्रीज होंगी हमारे पास, उन सारी एंट्रीज में हम देखेंगे कि कैश कहां पे है, तो देखिए कैश कहीं नहीं दिख रहा, छोड़ देंगे, खत्म। अब अगला काम क्या होता है, लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं तो टोटल करके बैलेंस निकालते हैं, टोटल करके क्या निकालते हैं, बैलेंस, और टोटल कैसे होगा और बैलेंस कैसे निकलेगा, सबसे पहले टोटल करो दोनों साइड का, तो यहां पे आपके डेबिट में कितना है 10,000, क्रेडिट में कितना है 0, कौन सा ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट 10,000, यही दोनों साइड लिखो क्योंकि यही अमाउंट आपका बड़ा है। अब जिस साइड में अमाउंट कम है तो इसको बोलते हैं बैलेंस करना, बैलेंस कैसे होगा, देखो दोनों साइड में कितना कम पड़ रहा है, जिस साइड कम हो, तो यहां तो 10,000 है लेकिन यहां पर कितना है भैया, 0 है, तो जब 0 है तो कितना कम पड़ रहा है बराबर करने के लिए, 10,000, तो जितना कम पड़ रहा है उतना आप लिख लोगे 10,000, और ये है क्या, ये बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस किया हमने इसको, और ये कब होगा, मंथ का लास्ट डे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक, बैलेंस आ गया। अब काम क्या, जैसे ये मान लो कि 31 जनवरी को ये बैलेंस आया, ठीक है, तो इसे हम करते क्या है भाई, बैलेंस एक बार आया तो क्या आगे वो नहीं होगा,
अब आपका पासबुक है और मार्च में बैलेंस बैंक ने एंटर किया, तो क्या अप्रैल में वो पैसा ख़त्म कर देगा? नहीं करेगा ना, अप्रैल में फिर से वो बैलेंस आपका अकाउंट में रहेगा। तो यहाँ पे करते क्या है, इसको हम नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, अब देखो ट्रांसफ़र करेंगे किस साइड में, करेंगे किस साइड में, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसी साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो किधर का टोटल ज़्यादा था? डेबिट का। तो डेबिट में फर्स्ट फेब को ट्रांसफ़र हो जाएगा और लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था, 10,000। ठीक है, लेज़र पोस्टिंग इजी है या नहीं है? अगर इसको ध्यान में रखा तो लेज़र पोस्टिंग बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपिटल के लिए, कैपिटल का अकाउंट भी बना लें। तो देखिए कैपिटल अकाउंट, ठीक, अब देखो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल लिखा किस साइड में है, कौन सा साइड है ये, क्रेडिट साइड, सेम भाई, जब क्रेडिट में है कैपिटल तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसके लिए बाई, अब ये नहीं कि कैपिटल को ही उठा के वहां लिख दो, सिर्फ टू या बाई, साइड सेम के लिए क्या यूज करना है, टू या बाई। नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या है, कैश। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो नेम अपोजिट बाई कैश अकाउंट, ठीक। अमाउंट सेम, किसका अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल का, तो कैपिटल के सामने जो पैसा है वो लिखो, अमाउंट सेम का मतलब। तो कैपिटल में कितना है, 10,000। फिर वही प्रोसेस, क्योंकि और कहीं भी कैपिटल नहीं दिया है, कहीं नहीं है ना। अभी इसके बाद अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम पूरे क्वेश्चन करके चलेंगे, तो उस क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट का टोटल है 10,000 सबसे ज़्यादा, क्योंकि डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, 10,000। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे कम कितना पड़ रहा है, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब इसको नेक्स्ट डेट में ब्रॉड डाउन करोगे तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 10,000। ये हो गया, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था तो ट्रांसफ़र किधर होगा, क्रेडिट में। अच्छा, ये डेबिट का ज़्यादा था, डेबिट में ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया बैलेंस को। तो ये बैलेंस क्या बोला जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसी का बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट का ज़्यादा था तो कैश का डेबिट बैलेंस, यहाँ पे कैपिटल का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट के टोटल की वजह से बैलेंस आया, तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो सिंपल का हो गया, अब हम कंपाउंड पे आते हैं। ये जो परचेज इनपुट जीएसटी और मोहन का है, इसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अकाउंट किसका बनाएंगे, परचेज का। रूल यही यूज करना है, चाहे सिंपल हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रूल हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया आपका फॉर्मेट। अब देखो कौन सा अकाउंट बना रहे, परचेज, किस साइड में भाई, क्या लिखा है, डेबिट, डेबिट है तो साइड सेम, टू नेम अपोजिट, नेम अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब उल्टा, तो डेबिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। तो देखो डेबिट में था परचेज, तो इसके क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, मोहन, तो टू मोहन आ जाएगा। और अमाउंट सेम, अमाउंट कितना लिखे हैं भाई, कौन सा अकाउंट बना रहे, परचेज का अकाउंट, तो परचेज के सामने कितना पैसा है, 2,000 रुपीज है, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 2,000। फिर वही काम, टोटल कर लो, तो यहाँ डेबिट का टोटल आया 2,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। और इसको नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र कर दो, तो डेबिट ज़्यादा था, डेबिट का बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉड डाउन। और इसको क्या बोला जाएगा, परचेज का कौन सा बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज़्यादा था ना, डेबिट कितना ज़्यादा था क्रेडिट से, पूरा 2000 रुपये ज़्यादा था। अब हम किसका बनाएंगे, सेम इसी तरीके से इनपुट IGST का बनाएंगे, इनपुट IGST अकाउंट। अब देखो इनपुट IGST किस साइड में है, डेबिट में, साइड सेम टू, नेम अपोजिट, इसके भी अपोजिट में क्या है, मोहन है, तो टू मोहन 240। फिर वही प्रोसेस, टोटल करके बैलेंस कर दो 240, इधर कुछ नहीं है तो डेबिट का टोटल ही लिखा जाएगा 240 बाई बैलेंस कैरी डाउन, और इसको कर दो ब्रॉड डाउन नेक्स्ट डेट में, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 240। अब लास्ट बचा किसका अकाउंट, मोहन का अकाउंट, और इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके अपोजिट में दो है, इसके अपोजिट में दो अकाउंट है, तो इसको देखिएगा है ना, तो इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, इसके ऊपर बना दें। देखो मोहन, अब नेम है तो अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते, या तो एपोस्ट्रॉफी कॉमा और एस लगा के अकाउंट लिखें, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। अब देखो मोहन किस साइड में, टू लगा मतलब क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई, नेम अपोजिट, तो अपोजिट में क्या है, दो है, परचेज भी है, इनपुट भी है, तो जितना भी हो नेम अपोजिट लिखना है, जितने दिए हैं सारे लिख लो, टू परचेजेज अकाउंट, सॉरी बाई, और बाई इनपुट IGST अकाउंट, अमाउंट सेम, तो सेम भैया मोहन के सामने तो 2240 है, हम किसके सामने लिख लें, नहीं लिख सकते ना, लेकिन एक चीज ध्यान दो कि अगर मोहन क्रेडिट हुआ इतने से, तो मोहन को क्रेडिट करने में दो अकाउंट का हाथ है, एक परचेज का है, दूसरा IGST का है। परचेज 2000 रुपए से मोहन को क्रेडिट कर रहा है, और IGST कितने से क्रेडिट कर रहा है उसको, 240 रुपए से, उसकी वजह से क्रेडिट हुआ, तो जो जितने से कर रहा है लिख दो 2000 रुपए और 240 रुपए। फिर वही प्रोसेस, टोटल करो और बैलेंस निकालो 2240। यहाँ पे टू बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस कैरी डाउन 2240, ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट में, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये कौन सा बैलेंस है, मोहन का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस किधर ट्रांसफर हुआ, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये हमारा लेज़र है, इसको हम कैसे करते हैं, हम शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उस पर पूरा लेज़र बनाएंगे, और लेज़र से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।